नमस्कार। वर्ग 8 के विज्ञान के पाठ फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के एमसीक्यू प्रश्नों का संग्रह। ये प्रश्न वर्ग 8 के बोर्ड परीक्षा, छात्रवृत्ति परीक्षाओं जैसे कि राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति, आकांक्षा परीक्षा एवं अन्य उन सभी परीक्षाओं जिसमें कि विज्ञान के जीके के प्रश्न आते हैं के लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या एक। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है अनाज, फसल, कृषि, खेती। तो ये हमारा ऑप्शन टू फसल सही आंसर है। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। ऑप्शन है दाल, फल, चावल और शहद। हम लोग जानते हैं कि शहद मधुमक्खियों से प्राप्त होता है, इसीलिए यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है। निराई, कटाई, भंडारण और थ्रेसिंग। तो हमारा आंसर है थ्रेसिंग। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला, यहां पर छूट गया है, ये पोला है, पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो यहां पर ऑप्शन दिया है निराई, बुआई, जुताई, सिंचाई। तो ये जुताई होता है, जुताई में ही मिट्टी को उलटते पलटते हैं और पोला के यानी ढीला करते हैं मिट्टी को। ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल है। ऑप्शन है रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। तो ये रबी फसल जो होती है वो लगती है अक्टूबर के आसपास, खरीफ फसल है जून जुलाई में लगती है, और ये जायद फसल है ये गर्मियों में लगता है। तो हमारा आंसर यही है जायद फसल। रबी फसल का उदाहरण है धान, मकई, गेहूं, सोयाबीन। ये है गेहूं। खरीफ फसल के उदाहरण है यानी जून जुलाई में जो लगाए जाते हैं वर्षा ऋतु में, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर फोर धान। ये सभी जानते हैं। सीड ड्रिल का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर वन है कटाई के लिए, ऑप्शन टू है बीजों को साफ करने के लिए, ऑप्शन थ्री है बीज बोने के लिए और ऑप्शन फोर है निराई गुड़ाई के लिए। तो हमारा आंसर है बीज बोने के लिए। सीड ड्रिल एक मशीन होती है जिससे बीज की बुआई की जाती है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को कहते हैं। यह प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है जुताई। सड़े हुए जैविक पदार्थ से बना मृदा पदार्थ कहलाता है। पहला ऑप्शन है कीटनाशी, दूसरा उर्वरक, तीसरा ह्यूमस और चौथा जीवनाशी। तो ये ह्यूमस जो है सड़े गड़े पदार्थ से बनता है। जो बैक्टीरिया मटर के जड़ की ग्रंथिका में मौजूद होता है वह है इकोलाई, प्लाज्मोडियम, राइजोबियम, पेनिसिलिन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाई जाने वाली ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? ऑप्शन वन है रेशेदार फसल, दूसरा है सिम्बी फसल, तीसरा अनाज फसल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये सिम्बी फसल थोड़ा सुनने में आपको अजीब लग रहा है। सिम्बी मतलब देहाती भाषा में सिम्बी बोलते हैं, जो सीम वाले फसल होते हैं, सीम वाले यानी फलीदार जिसमें फली लगता है। तो इसी के जड़ों में के जो ग्रंथियां होती हैं वहां राइजोबियम नामक जीवाणु होता है जो वातावरण से नाइट्रोजन लेकर उसे नाइट्रेट में बदलता है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक खाद
ये खाद छप गया है, ये खाद प्राकृतिक खाद है, यूरिया पोटास वर्मी कंपोस्ट सुपर फॉस्फेट। तो यूरिया पोटास और सुपर फॉस्फेट ये प्राकृतिक खाद नहीं है, ये उर्वरक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, वर्मी कंपोस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ फसल का है? खरीफ फसल यानी जो जून जुलाई में लगाए जाते हैं वर्षा के ऋतु में। ऑप्शन नंबर 1 है कपास चना गेहूं, ऑप्शन 2 है चना मक्का सरसों, ऑप्शन 3 है मूंगफली मटर गेहूं, और ऑप्शन 4 है कपास मक्का और धान। यही हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी में पुष्टिकर नहीं बढ़ाता है, यानी न्यूट्रिएंट यानी कहें कि उर्वरा शक्ति नहीं बढ़ाता है? ऑप्शन नंबर 1 है परती जमीन, 2 है खाद या उर्वरक, तीसरा है फसल का चक्रीकरण, और चौथा जुताई। तो ये जो परती जमीन है यही उर्वरा शक्ति नहीं बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 16, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर 1 है रेशेदार फसल, ऑप्शन 2 है फलीदार फसल, ऑप्शन 3 है अनाज फसल, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। देखिए ये प्रश्न पहले भी आया था, लेकिन फर्क क्या था कि यहां फलीदार की जगह सिम्बी फसल लिखा हुआ था। तो फलीदार और सिम्बी फसल दोनों एक ही है, तो हमारा आंसर यही है फलीदार फसल, जिसमें फल जो फली जैसा होता है, छिम्मी जिसको बोलते हैं हम लोग, मटर है सीम है इस तरह के फसल। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरा को बनाए रखता है? ऑप्शन 1 है बैक्टीरिया, 2 फंजाई, ऑप्शन 3 है चूहा, और ऑप्शन 4 है केचुआ। तो हमारा आंसर है केचुआ, क्योंकि ये मिट्टी को उलट पुलट करता रहता है और इससे जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति कायम रहती है। सबसे अच्छा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है? पहला नागल उर्वरक, दूसरा यूरिया, तीसरा जैविक उर्वरक, चौथा अमोनिया युक्त यौगिक। तो सबसे अच्छा जो जिसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है वो है यूरिया। प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है? टिड्डा चींटी केचुआ मधुमक्खी। तो किसान का अच्छा मित्र वही होगा जो उसकी खेती में मदद करता है, और यह है केचुआ जो मिट्टी को उलट पुलट कर उसको उपजाऊ बनाता है। खेत में मिट्टी के बड़े ढेलों को तोड़ा जाता है। ऑप्शन 1 है हल से, 2 है ऑप्शन 2 है पाटल, ऑप्शन 3 है कस्सी से, ऑप्शन 4 है कल्टीवेटर से। तो जब जुताई की जाती है खेत की, तो उससे पूर्व आप जानते हैं कि अगर बहुत सूखा है तो उसमें पानी डाला जाता है, और उसके बाद जब जुताई की जाती है तो मिट्टी ढेलों में बदल जाता है, तो उस ढेलों को तोड़ना पड़ता है, और इसके लिए प्रयोग करते हैं हम पाटल को। क्वेश्चन नंबर 21, बाग बगीचों में पानी देने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? पहला ड्रिप विधि, दूसरा मोट विधि, तीसरा छिड़काव विधि, और चौथा ढेकली विधि। तो वर्तमान में जो सबसे अच्छा तरीका है वो ड्रिप विधि है, इसमें पानी की बर्बादी नहीं होती है। ये उन जगहों के लिए तो और भी अच्छा है जहां पानी की कमी है। क्वेश्चन नंबर 22, ब्लैंक एक खरपतवार नाशी है। आंसर है डीडीटी, सॉरी ऑप्शन 1 में डीडीटी, ऑप्शन 2 है बीएससी, ऑप्शन 3 है 2,4-D, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो ये हमारा सही आंसर है 2,4-D, ये एक खरपतवार नाशी है। क्वेश्चन नंबर 23 है खरपतवार नाशी का छिड़काव किया जाता है कब किया जाता है? ऑप्शन 1 है खेत की तैयारी के साथ, ऑप्शन 2 है बुआई के साथ, ऑप्शन 3 है खरपतवार के पुष्पन और बीज बनने से पहले, ऑप्शन 4 है खरपतवार के पुष्पन और बीज बनने के बाद। तो
तो हमारा आंसर होगा खरपतवार के पुष्पन एवं बीज बनने से पहले। आप खुद सोच सकते हैं कि पुष्प और बीज लगने से पहले क्यों हम उसको छिड़काव करके नष्ट करेंगे, क्योंकि जब बीज बन जाएगा फिर वो गिर जाएगा उसका बीज, तो अगर हम नाश कर दिए उस खरपतवार को लेकिन उसका बीज तो मिट्टी में चला जाएगा और फिर से वो हो जाएगा, इसलिए वो पुष्पन यानी फूल लगने और बीज बनने से पहले ही उसका छिड़काव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विटामिन डी सर्वाधिक होता है किसमें? ऑप्शन वन दालों में, ऑप्शन टू दूध में, ऑप्शन थ्री सोयाबीन में, ऑप्शन फोर है कॉड मछली के लीवर तेल में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फोर सही उत्तर है, कॉड मछली के लीवर तेल में विटामिन डी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और इसी से विटामिन डी के कैप्सूल भी बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, खरपतवार होते हैं क्या होते हैं खरपतवार? ऑप्शन वन है फसली पौधे होते हैं, ऑप्शन टू फसलों के साथ उगे अवांछित पौधे, ऑप्शन थ्री है फसलों के साथ उगे औषधीय पौधे, ऑप्शन फोर है जंगल में उपयोगी पेड़। तो हमारा ऑप्शन नंबर टू फसलों के साथ उगे अवांछित पौधे, यानी ऐसे पौधे जिनकी हमें जरूरत नहीं है ना, हमने कोई फसल लगाया उसमें बहुत सारे ऐसे पौधे उग जाते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है और जो जो हमारे फसल है उसके पोषक तत्व और पानी को ले लेते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर टू ही हमारा सही आंसर है। जिन छात्र छात्राओं या जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि वो सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी और वीडियो आएंगे विज्ञान के, गणित के या अन्य विषयों के, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। धन्यवाद।